भागलपुर सवर थाना क्षेत्र में रविवार की रात्रि में एक बड़ा हादसा होने से टला। यह हादसा उस वक्त हो जाता जब रात के करीब 2 से 3 बज रहे थे, जिस वक्त कोहरा काफ़ी होने से आगे का रास्ता साफ नहीं दिख रहा था और कोई भी गाड़ी ठीक तरीके से नहीं दिखने के कारण भागलपुर की ओर से एक स्कॉर्पियो आ रही थी। NH 80 पर एक तरफ से ट्रकों का भी जाम लगा हुआ था, एक तरफ खाली थी, उसी से छोटी गाड़ियां आ जा रही थी। उसी समय अचानक एक ट्रक ओवरटेक करते हुए ठीक स्कॉर्पियो के सामने आ गया और यह हादसा हो गया। स्कॉर्पियो ड्राइवर का कहना है कि ट्रक के अचानक सामने आ जाने से गाड़ी का संतुलन खो बैठा और गाड़ी खाई में जाकर पेड़ से जा टकराई और यह हादसा हो गया। परंतु स्कॉर्पियो ड्राइवर का कहना है कि गाड़ी में जितने भी लोग सवार थे वह सब सही सलामत गाड़ी से बाहर निकल गए, इसमें कोई भी आदमी जख्मी नहीं हुआ है। बीटू न्यूज़ बिहार के लिए भागलपुर से विजेता कुमार की रिपोर्ट। बोलिए ना, कुछ 10 चक्के की गाड़ी आ रही थी। हाँ, हम मिले थे कुछ दूर रास्ते में ही, उधर से काफी तेज रफ्तार से आ रही थी, कुहासा होने के कारण समझ में नहीं आया कि टकराया कि अपने आप को बचाया। तो बचाने के क्रम में गाड़ी जो है ना, हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा खड्डे में चल गई है गाड़ी, जबकि पलटी नहीं है। पलटी तो नहीं है, नहीं है। अब देखा जाए अब क्या आगे होता है।